тоже есть оружие, да знают об этом. Сейчас только я сказал. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что, все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации. Они чего, этого не понимают, что ли? रूस यूक्रेन जंग के बीच नाटो अपना दायरा बढ़ा रहा है, एक के बाद एक देशों को अपनी गैंग में शामिल कर रहा है, जिसका समर्थन सुपर पावर अमेरिका कर रहा है, जो पुतिन के गुस्से को भड़का रहा है। जेलेंस्की की नाटो में शामिल होने की जिद के चलते 2 साल से वो रूस जैसे देशों से जंग लड़ रहे हैं, अपने देश को रूसी मिसाइलों के हमले से खाक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हासिल कुछ नहीं हुआ है, जंग जारी है। यूक्रेन भले ही अभी तक नाटो का हिस्सा नहीं बन पाया, लेकिन फिनलैंड के बाद अब स्वीडन नाटो परिवार में शामिल होने जा रहा है, जो रूस के गुस्से को बढ़ा रहा है। यानी दुनिया में कभी भी परमाणु युद्ध छिड़ सकता है, कई देश खाक हो सकते हैं, राख हो सकते हैं, सभ्यताएं तबाह हो सकती हैं, और ये सब होगा वर्चस्व के लिए हो रही लड़ाई के चलते, क्योंकि जेलेंस्की को कमजोर होता देख फ्रांस ने यूक्रेन की मदद के लिए अपनी सेनाएं भेजने का प्लान कर लिया है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध में कभी भी नाटो देशों की एंट्री हो सकती है, जो विनाश का आगाज करेगी। शक्तिमान पुतिन एक बार फिर गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका समेत सभी पश्चिम देश रूस को परमाणु हमले के लिए उकसा रहे हैं। उस बात को उन्होंने चुनाव से पहले अपने आधिकारिक भाषण में कही। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, पश्चिमी देशों की वजह से परमाणु हमले का खतरा बढ़ा है, रूस को कमजोर करने की कोशिशें हुई, लेकिन रूस किसी भी हाल में ना तो झुकने वाला है और ना ही डरने वाला है। रूस हर चुनौतियों का सामना करने को तैयार है। जल्द सरमत की ताकत दुनिया देखेगी। सरमत हमले के लिए तैयार है। जंग हमने शुरू नहीं की, लेकिन खत्म हम करेंगे। यूक्रेन में शांति तब होगी जब अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। यूरोपीय देश अपनी संप्रभुता खो चुके हैं। यूक्रेन जंग 2024 में शुरू हो गई थी, जब पश्चिमी देशों ने मिलकर यूक्रेन में तख्ता पलट किया था। पुतिन ने पिछले साल यूक्रेन जंग को 1 साल पूरा होने से 3 दिन पहले एक संबोधन दिया था, जिसमें उन्होंने अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को लेकर की गई न्यू स्टार्ट ट्रीटी को रद्द कर दिया था। और अब युद्ध के 2 साल पूरे होने पर पुतिन परमाणु युद्ध का अंदेशा जता रहे हैं और नाटो देशों पर इसके लिए उकसाने का आरोप लगा रहे हैं। ट्रीटी का मकसद दोनों देशों में परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करना था। दोनों देशों ने तय किया था कि वो अपने पास 1,550 से ज्यादा परमाणु हथियार और 700 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक लॉन्चर नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुतिन अपने परमाणु जखीरे को बढ़ा रहे हैं और नाटो देश उनको उकसा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के नाम संबोधन में कहा कि रूस के बिना विश्व में शांति संभव नहीं है। पश्चिमी देश रूस और यूक्रेन दोनों को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे अंदरूनी मामले में कोई दखल नहीं दे सकता। पुतिन ने कहा, यूक्रेन में हो रहे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में हमें जनता का समर्थन मिला। उन्होंने जंग लड़ रहे सैनिकों को हीरो बताया, कहा सैनिकों को पूरे देश का समर्थन मिला है। पुतिन ने जंग में मारे गए सैनिकों के लिए मौन भी रखा। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। ऐसी और अपडेट्स के लिए एयर न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा।